स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माँ का मेन्यू में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं कश्मीरी मटर पनीर पुलाव। ये पुलाव बनाने में इतना आसान है और खाने में बहुत टेस्टी, तो चलिए देख लेते हैं कश्मीरी मटर पनीर पुलाव की रेसिपी। कश्मीरी मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैंने लिया है एक कटोरी चावल, 200 ग्राम पनीर, ये घर का बना पनीर है। अगर आपने मेरा पनीर घर में आसान तरीके से कैसे बनाएं वो वीडियो चेक नहीं किया है तो आप चेक कर सकते हैं। एक बड़ा प्याज जिसे स्लाइस कर लिया है, एक कटोरी मटर, एक टमाटर लिया था बड़ा जिसे मैंने काट लिया है, थोड़े से काजू, कुछ लहसुन की कली और सूखी लाल मिर्च, ये मैंने गरम मसाले लिए हैं, एक तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, एक बड़ी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, और एक हरी मिर्ची ली थी जिसे मैंने लंबा लंबा काट लिया है। अभी मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाल दिया है। अभी हम इसमें काजू को फ्राई करेंगे। काजू को हम ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे, यानी कि गोल्डन कलर आ जाएगा तब तक हम इन्हें फ्राई करेंगे और फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। अभी काजू में लाइट लाइट गोल्डन कलर आने लगा है, अभी हम इसे निकाल लेते हैं क्योंकि जब काजू गर्म रहेंगे तब भी उनका कुकिंग प्रोसेस चालू रहता है और काजू में डार्क कलर आ जाएगा जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो अभी हम इसे निकाल लेते हैं। अभी हमने काजू फ्राई कर लिए हैं, अभी हम पनीर को थोड़ा फ्राई करेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। पनीर पे भी गोल्डन कलर आए इतना हम उन्हें फ्राई करेंगे। अभी पनीर फ्राई हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं और प्याज को भी हम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई करेंगे, फ्लेम को हाई नहीं करेंगे। अभी प्याज का कलर चेंज होने लगा है, लेकिन अभी हम इसे और फ्राई करेंगे, एकदम गोल्डन कलर आ जाएगा, यानी कि हमें बरिस्ता तैयार करना है। बरिस्ता से हमारे पुलाव को और भी अच्छा टेस्ट मिलेगा। अभी प्याज फ्राई हो चुके हैं, अभी हम इन्हें निकाल लेते हैं। अभी हम तेल में तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी, साबुत इलायची और काली मिर्ची, सूखी लाल मिर्च, लहसुन की कली और 1 चम्मच जीरा। लो फ्लेम पे इन्हें पका लेंगे। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और हरी मिर्च डालेंगे। और टमाटर को सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। अभी हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे। हमने 1 कटोरी चावल लिया था तो हम इसमें 2 कटोरी पानी डालेंगे।
और इसमें नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं और इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। और अभी हम इसमें मटर डालेंगे। और फ्लेम को हम हाई ही रखेंगे जब तक पानी में उबाल आए तब तक। अभी पानी में उबाल आ गया है, अभी हम इसमें चावल डालेंगे। और इन्हें अच्छे से मिक्स करके लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के पकाएंगे। फ्लेम को एकदम लो कर देंगे। आप चाहे तो ये पुलाव कुकर में भी बना सकते हैं। एक सीटी आने तक पकाएं और फ्लेम को बंद कर दें। अभी हम चेक कर लेते हैं कि चावल पके या नहीं। हल्के हाथ से अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है तो अभी भी हम इसे लो फ्लेम पे ढक्कन लगा के और पकाएंगे। अभी हम फिर से चेक कर लेते हैं। चावल पक चुके हैं और अब हम इसमें जो बरिस्ता बनाए थे प्याज को हमने ब्राउन करके निकाला था वो डाल देंगे। और जो पनीर फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। फ्लेम को अभी हम लो ही रखेंगे। और इसमें हम जो काजू फ्राई किए थे वो भी डाल देंगे। और ढक्कन लगा के 2 मिनट के लिए और पकाएंगे और फ्लेम को बंद कर देंगे और फिर हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे तो इसमें एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और आप ये पुलाव रायते के साथ खाएं, बहुत अच्छा लगता है। लीजिए, अभी हमारा कश्मीरी मटर पनीर पुलाव तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी रेसिपी को लाइक करना ना भूलें। और आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को सबके साथ शेयर करें।